आत्मा सतलोक से चलकर यहां अपनी प्यारी आत्माओं को कष्ट से मुक्त करने के लिए, काल के बंधन से मुक्त करने के लिए, आत्मा को भक्ति धन से धारण पोषण कराने के लिए, इसका परिपूर्ण करने के लिए वो परमेश्वर स्वयं ही आते हैं। उनका नाम कबीर देव है, हम उसे कबीर साहब कहते हैं। वो परमेश्वर इस कलयुग के अंदर सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 जेठ उत्तरते की पूर्णमासी यानी ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा को भारतवर्ष की पवित्र भूमि पवित्र काशी शहर के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए थे, एक नवजात शिशु का रूप धारण करके। और उनको एक निसंतान जुलाहा दंपत्ति उठा ले गया था। परमात्मा लीला में शरीर से धीरे धीरे बड़े हुए, फिर उस अपने मुंह बोले माता पिता के जो पैतृक कार्य था, जुलाहा जुलाहे का, उसी कार्य को करने लगे। और वही पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म बनारस में धारणक रूप से प्रसिद्ध हुए यानी जुलाहा कहलाए। पुण्यात्माओं, आप सभी काल के जाल में फंसे हुए हो। यहाँ का जो मालिक है, यहाँ का जो स्वामी है 21 ब्रह्मांड का, ये काल भगवान है। और हम अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। हम सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म की हैं, हम सभी उसके बच्चे हैं, हम उस परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं के शरीर से हम बाहर आए हैं। और हमें आत्मा का रूप परमात्मा ने ही दिया है। हम परमेश्वर कबीर जी के बच्चे हैं, जैसे किसी माता पिता का कोई संतान, बेटा या बेटी, किसी भी कारण से कुमार्ग पर चल पड़ता है। माता पिता को ज्ञान होता है कि भविष्य में इसके साथ कितनी आपदाएं आएंगी, इसके ऊपर ये कितना कष्ट उठाएंगे, जिस कारण से वो माता पिता बड़े चिंतित होते हैं और हर संभव प्रयत्न करते हैं किसी प्रकार भी उन बच्चों को फिर से हम सुमार्ग पर लाए। उसके लिए उन्होंने कितना ही कुछ भी क्यों ना करना पड़े, अपनी सामर्थ्य के आधार से वो पूरा प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी वो नालायक बालक नहीं मानते हैं, तो भी माता पिता चिंतित ही रहते हैं, उनके भविष्य का उनको पता होता है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर कबीर देव जी वो पूर्ण परमात्मा हमारे लिए सदा चिंतित रहते हैं कि काल ने इनको यहां त्रिगुणमयी माया का नशा करा दिया और इस काल के ब्रह्मांड रूपी कुएं में, इस ब्रह्मांड रूपी कुएं में ये त्रिगुणमयी माया रूपी भांग डाल दी काल ने। और इस भांग के नशे में आप जी सभी के सभी परमात्मा को भूलकर इसी गड्ढे में पड़े हुए हो। परमेश्वर कबीर देव जी कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब घट आण अड़ी,
और किस किस को समझाऊं, यहां तक कुआ भांग पड़ी। अपुन आत्माओं, आप जी यहां पर जिस वस्तु की डिमांड करते हो, परमात्मा से जो कुछ भी मांगने आते हो, वो क्या मांगते हो? जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक क्या डिमांड करते हो? निसंतान संतान की इच्छा लेकर ही यहां आते हैं? और कोई निर्धन है जिसके पास धन नहीं है, वह केवल धन ही मांगने आता है? किसी को कोई बीमारी, कष्ट, रोग या कोई अन्य प्रेत बाधा है, पितृ बाधा है या देव के कारण कोई कष्ट है, तो उसका निवारण ही लेकर आते हैं, उसकी निवारण की इच्छा ही लेकर आते हैं। उन आत्माओं, जिसमें आप जी को ये तत्व ज्ञान समझ में आएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, उस समय आप ये डिमांड भूल जाओगे। कौन सी डिमांड? नंबर एक संतान की और नंबर दो घने धन प्राप्ति की। तीसरी जो आपकी इच्छा है कि आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा है, कोई पितृ बाधा है, कोई देव का प्रकोप है, ये इसका निवारण आपका ठीक है, ये अवश्य इसके कारण भी यहाँ आने वाले को बहुत लाभ मिलेगा। अब सीधे से शब्दों में ये दास ये कहना चाहता है कि कोई भी प्राणी किसी भी आशा या इच्छा या किसी भी कष्ट या संकट के कारण परमात्मा के दरबार में आ जाते हैं, धन्य है वो प्राणी और धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। क्योंकि यहां आने से आपको तत्व ज्ञान होगा, पूरा अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, सभी कर्मों से आप परिचित हो जाओगे और फिर आप जिस इच्छा को लेकर आए हो उन इच्छाओं को भी परमात्मा से पाओगे, वो भी पूर्ति होगी। लेकिन वो कितनी होगी? जो आपके हित में होगी। जो आपके हित में नहीं होगी वो इच्छा आपकी यहाँ पूर्ण नहीं होगी। भले ही आप जी ये सोचते रहोगे कि मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे ये होना चाहिए था, वो आपकी अपनी सोच होगी, परमात्मा क्या करेंगे वो परमात्मा ही जाने। जैसे एक रोगी व्यक्ति किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाता है और वहां जाने के बाद फिर वो डॉक्टर को समर्पित हो जाता है, वो डॉक्टर फिर जो भी ट्रीटमेंट करता है उस मरीज के हित में ही करता है। अब वहां पर मरीज अपनी नहीं चला सकता, वो रोगी यदि अपनी चलाता है, अपने वो चाहता है कि मेरे अनुसार ही डॉक्टर कार्य करे, तो डॉक्टर उसकी जायज जो कोई भी होगी इच्छा आवश्यकता उसी को पूरी करेगा, नहीं तो वो अपनी ही क्रियाओं को करेगा, चाहे मरीज को बुरा भी लगे। अब जैसे डॉक्टर को लग रहा है कि इसकी जान जाएगी और टांग काटनी पड़ेगी जिससे इसका जीवन बचेगा, तो डॉक्टर उस कार्य को करेगा ही करेगा। आपकी राय अवश्य लेगा कि तू मरना चाहता है या जीवन चाहता है, तो जीवन चाहता है तो तेरी टांग काटनी पड़ेगी, तो फिर वो मरीज भी स्वीकृति दे देता। वैसे तो रोगी नहीं चाहता कि मेरी टांग कटे, लेकिन जीवन रक्षा के लिए वो टांग कटवाना भी उचित ही समझता है और बिल्कुल ठीक है। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं,
आप यहाँ परमात्मा के दरबार में आए हो और ये वो हॉस्पिटल है जो आपके जन्म और मृत्यु के रोग को नाश करेगा, समाप्त करेगा। और जब तक जन्म और मृत्यु का रोग आपका नष्ट नहीं होगा, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस परमात्म तत्व को यानी तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से समझ। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष समझो, और जो संत इसके सभी विभाग पत्तों सहित बता देगा सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका भी यहाँ आकर करते हैं, एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं, एक नेक शिष्य का रोल भी वो परमात्मा स्वयं ही करके दिखाते हैं, और एक अच्छे कवि के रूप में भी वो सुप्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से सुनाते बोलते हैं, जिस कारण से वे कवि भी कहलाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमेश्वर। तो परमेश्वर ने बताया है अपनी अमृतवाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ऊपर को जड़, जड़ तो वो परमात्मा स्वयं है जिससे सभी ब्रह्मांडों का धारण पोषण होता है, जैसे वृक्ष को जड़ से ही पूरा आहार मिलता है, टहनी तना डार पत्ते सभी उसी से आहार प्राप्त करते हैं, वो सबका धारण पोषण करने वाला होता है। तो वो तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म स्वयं कबीर देव जी हैं। जमीन से बाहर जो दिखाई देता है वो तना होता है, उसको अक्षर पुरुष कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन प्रभु, तीन पुरुष बताए हैं, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी परम अक्षर पुरुष बताया है, जो तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है। तो अक्षर पुरुष वो तना है और मोटी डार जो है वो सर पुरुष है, सर पुरुष जिसे ज्योत निरंजन भी कहते हैं, काल भी कहते हैं। उस काल के यानी सर पुरुष की फिर तीन, उस डार के तीन शाखाएं हैं, उसके पुत्र हैं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और पात रूप हम संसार। तो यहां बताया है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जावे इस अज्ञान रूपी अंधकार को और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, उस अर्थात इसको उस तत्व ज्ञान से समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करनी चाहिए, और ये सोच ले कि मैं उसकी शरण में हूं,
गीता ज्ञान दाता कहता है वो परमेश्वर कोई और है, मुझसे भिन्न है, उसकी जानकारी मैं भी नहीं रखता। तत्वदर्शी संत बताएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि तत्ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रित करके, इस आश्रय करके, यानी मैं जो कह रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, वो जो ज्ञान बताओ फिर उसे सुनो, और जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं वे तत्ब्रह्म से, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से यानी तत्व ज्ञान से और सभी प्रकार के कर्मों से वो परिचित होते हैं, वही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं रखते। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी बताई है कि उसको जानकर और फिर अध्यात्म ज्ञान से परिचित व्यक्ति जरा और मरण से ही छूटने का, जरा माने वृद्ध अवस्था बुढ़ापा का दुख और मरण माने मृत्यु, के जो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं वो उस तत्ब्रह्म को जान चुके होते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। 8वें अध्याय के 1 श्लोक में पूछा है, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, ऐसी अनमोल वस्तु क्या है वो तत्ब्रह्म जो गीता ज्ञान दाता से भी अन्य है। तब गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से प्राणी फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, उनका फिर जरा और मरण का संकट सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जरा माने बुढ़ापा। पुणात्माओं, जब तक ये जीव किसी कष्ट को महसूस नहीं करता तब तक ये किसी के कहने से भी मानता नहीं, और जब इसके ऊपर आपदा आ जाती है फिर ये चिल्लाता फिरता है। आप पुणात्माओं, जो व्यक्ति वृद्ध हो चुके हैं उनके पास थोड़ी देर बैठा करो, उनका अनुभव सुनो, उनके साथ अब क्या बीत रही है। पहले वो भी युवा थे, एक पल भी उनको चैन नहीं था, सारा दिन दौड़ धूप में रहते थे, और अब वृद्ध अवस्था में उनकी कितनी दुर्गति हो रही है। और फिर मृत्यु कोई नहीं चाहता, और मृत्यु भी होगी। वृद्ध अवस्था कोई नहीं चाहता, वृद्ध अवस्था भी होगी। तो ये जो हम नहीं चाहते जो कष्ट, वो हमारे ऊपर अवश्य आएंगे। तो कहने का भाव ये है कि ये दुख का मूल है, और ये दुख मिटे कैसे, ये मिटेगा जब हम सतलोक में चले जाएंगे, जो जरा और मरण वही मिटेगा, क्योंकि सतलोक में आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी जैसे हम यहां रह रहे हैं, ऐसे ही वहां हमारा परिवार होगा और हमारा शरीर बहुत सुंदर होगा, एक तत्व का बना होगा, उसमें नाड़ी और ये स्नायु आदि नहीं होते, सुक्रम अकायम अस्नाविरम होता है, यानी माता पिता के संयोग से बना हुआ, उस शुक्र से नहीं, वहां पर वचन से सृष्टि बनती है, जन्म अपना परिवार बनता है, और वहां ना वृद्ध अवस्था आती है कभी और ना मृत्यु होती है। यहाँ इस पृथ्वी पर आप कितना ही बड़ा व्यवसाय बना लीजिए और कितनी बड़ी कोठी बना लीजिए और कितना ही बैंक बैलेंस बना लीजिए, आपके साथ वो धोखा है, आप उसको अपने साथ ले जा नहीं सकते, आप उसको भोग नहीं सकते। तो फिर ये सारा जीवन बर्बाद करने का औचित्य क्या है आपका? मूर्खता, अज्ञानता, तत्वज्ञानहीनता। और जब आपको तत्वज्ञान हो जाएगा फिर आप परमात्मा से एक ही प्रार्थना किया करोगे, हे परमेश्वर,
हमारा पीछा छुटवाओ, हमारी जन्म और मृत्यु सदा के लिए नष्ट करो। हे प्रभु, कहीं फिर से जन्म ना हो जावे। और मान लीजिए आपका, क्योंकि हम यही रहना चाहते हैं, हम मृत्यु नहीं चाहते, कंपलसरी होगी वह तो बाई फोर्स होगी, लेकिन उस समय भी इच्छा रह जाएगी किसी ना किसी वस्तु में, तो फिर हम दोबारा फिर जन्म होगा। जहां आशा ता बासा होवे और मन कर्म वचन सुमरियो सोए, अब जहां आपकी आशा रह जाएगी वहीं आपकी फिर दोबारा जन्म हो जाएगा। तो यहां परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि जैसे आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का भी कष्ट है, जैसे कोई प्रारब्ध में आपका दुख आ गया है और जिससे आप परेशान हो, आप यहां आ गए हो, परमात्मा अपने हिसाब से आपका वो बाधा दूर करेगा। ये वो समर्थ परमात्मा है, आपको एक सेकंड में सब सुख दे सकता है, लेकिन हमारी आदत खराब है कि हम सुखी होते ही भगवान भूल जाते हैं, और जब हमारे ऊपर आपदाएं आती हैं फिर हम भगवान की खोज करते हैं। हमारी आदत बन गई है झाड़े फूंक करवाने की, हम हैबिचुअल हो गए हैं कि किसी पर कोई कष्ट हुआ, किसी ने जाके झाड़ा लगा दिया, बस झाड़ा लाने वाले को दे दिए 100 रुपये जो उसने मांगे, कुछ राहत मिल गई तो अच्छा है, नहीं तो वो अपने खुश हम अपने खुश, बस इतना काम है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपका वो दीर्घ रोग काटा जाएगा जिसके लिए आपको रेगुलर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और परमात्मा के दरबार में आने से जो इच्छाएं आपकी हैं वो तो सबतः पूर्ण होंगी। जैसे किसान गेहूं बीजता है, अपने आत्माओं आप इस तत्व ज्ञान से परिचित होजिए, इसलिए आपको रह रहकर बुलाया जाता है ताकि आपको इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित कराएं और आप फिर परमात्मा में रुचि रखें और विचलित ना हो। इसलिए आप जी को यहां बार बार बुलाया जाता है। अब परमात्मा के दरबार में आने से आपकी जो, जैसे किसान गेहूं बीजता है, उस किसान का गेहूं बीजने का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य तो उसका ये होता है कि मेरा परिवार भूखा ना रहे, हम भूखे ना मरे, हमारा पेट भरे। उसके बाद अब जैसे इस उद्देश्य से ही गेहूं बीजा जाता है, फिर क्या होता है? अब गेहूं बीज दिया तो सबसे पहले उसका तना उत्पन्न होता है, फिर उसके बाली आती है और बाली में फिर गेहूं होते हैं, पहले पौधा उगता है। तो जो पौधा होता है वो भूस बनता है और बाली में जो गेहूं होते हैं वो जीवनदाता अन्न होता है। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा कबीर जी की जो साधना भक्ति आपको दी जाएगी, ये आपको ऐसी होगी जैसे गेहूं बीजना उद्देश्य किसान का अपने परिवार का पोषण था और उसमें भूस तो अपने आप ही बन गया, उस भूस की उसको आवश्यकता ना थी तो भी बन गया। तो पुण्यात्माओं, जो इच्छाएं आप इधर उधर लिए फिरते थे महापुरुषों के पास, संतों के पास, और वो आपकी भी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, ना हो सकती थी, क्योंकि वो संत जिस परमेश्वर की भक्ति करते हैं, जिन देवताओं की साधना करते हैं, वो संत, वो भगवान, उनके देवता आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, आपके ऊपर आने वाले संकट का निवारण नहीं कर सकते,
और आप वहाँ धनी बनने के लिए जाते थे या किसी कष्ट निवारण के लिए जाते थे, वहाँ आपको कोई लाभ नहीं हुआ और ना ही होना था। तो जैसे किसान का उद्देश्य गेहूं बीजना अपने परिवार का पोषण था और भूस का कमरा वैसे ही भर गया जिसकी उसको इच्छा नहीं थी, लेकिन तो भी मिल गया। पहले भूसा ही तैयार होता है। तो पुण्यात्माओं, आपका उद्देश्य यहां पर जन्म और मृत्यु का रोग कटवाना ही होना चाहिए। आपको जो साधना दी जाएगी उस साधना में आपकी संसारिक इच्छाएं जो आवश्यक होंगी और आपके संकट निवारण, तो उस भूस की तरह अपने आप ही ना चाहते हुए भी परमात्मा वो निवारण करेगा और धन आपको ऐसे देगा जैसे उस गेहूं के भूस तो पहले ही तैयार होना शुरू हो जाता है। अब इस बात को आप गहराई से सोचना। यदि कोई अनजान व्यक्ति गेहूं को परिपक्व ना होने दे और पशुओं के चारे के उद्देश्य से उसको कच्चे को काट काट कर चराना शुरू कर देता, खिलाना शुरू कर देता है, पशु तो पल जाएंगे, आप भूखा मरेगा फिर। तो कहने का भाव ये है कि आप जी यहां जो मांगने आओगे वो क्या मांगोगे? मोक्ष। आपका उद्देश्य मोक्ष हो और उस मोक्ष के साथ साथ आपको जो संसारिक सुविधाएं आपको चाहिएंगी, आपके भाग्य में ना होगा तो भी भगवान देगा। आपके भाग्य में कोई आपत्ति होगी, मालिक वो नहीं देगा। आपत्ति का अर्थ है जैसे कई बहनें आती हैं संतानों उत्पत्ति की, संतान की डिमांड करने, परमात्मा वो रजा भी उनको बख्श देता है। कई एक स्थिति ऐसी आती हैं जो परमात्मा की रजा होती है लेकिन प्रार्थना करते हैं, आते हैं बहन बेटियां कि ऐसे ऐसे जी हमारा गर्भ गिर गया, हम उनको सांत्वना देते हैं, बेटी भक्ति करो, परमात्मा पर विश्वास रखो, फिर ठीक हो जाएगा। वो प्रार्थना करती हैं 6 महीने साल के बाद के जी दूसरा भी ऐसे ही खराब हो गया। तो उनसे उनको ये तत्व ज्ञान ना होने से वो बहुत विचलित हो जाते हैं और भगवान से दूर चले जाते हैं। और मान लीजिए वहां उनको कृपा हो भी जा, कोई संतान उसके ठीक ठाक उत्पन्न होगी और वो संतान उसके दुश्मन हो जाए आगे चल के। दुश्मन कैसे हो जाते हैं? जैसे एक लड़के का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद उन्हें उस लड़के ने अपनी पत्नी को मारा पीटा, दहेज के बारे में उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। वो माँ भी, बाप भी, बेटा भी और बहन भी सारी जेल में। अब यहाँ आप विश्वास रखना इस परमात्मा, क्योंकि हम जीव हैं, भगवान परमात्मा परमात्मा ही होता है। हम जीव संज्ञा से कुछ भी मांगते रहें वो नहीं देगा। जैसे उन बहनों के वो गर्भपात हो रहा था वो परमात्मा का ऑपरेशन था। यदि कोई ऐसी नालायक संतान आपके भाग्य में थी उसको निवारण कर रहे थे, भगवान को दोष नहीं होता, वो अपने हिसाब से उनको उनका जीवन संस्कार आपके संस्कार से काट रहे थे, समाप्त कर रहे थे। पुणात्माओं, आप जी भगवान के बारे में और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बिल्कुल माइनस है, माइनस। अभी तक जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो अज्ञान से भर रखा हमारे को। आप जी परमात्मा की तलाश में, खोज में घूम रहे होते हो। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं आकर हमारी स्थिति को स्पष्ट किया है कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। वाले लाभ के लिए ये प्राणी ना जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं। परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि जब मेरे मेरा कोई संत
मेरे संत की शरण में जब आ जाते हैं तो उनके सभी कार्य शुरू हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं उनके, धीरे धीरे सारे कार्य सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसके बताया कि राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम, तो पुणात्माओं आपका उद्देश्य जो है वो बदल जाना चाहिए इस ज्ञान के आधार से। रही बात संकट निवारण की, ये तो नहीं रहेगा आपके ऊपर, उसके लिए थोड़ा सा आपने धीरज रखना होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बीजा जाता है और उसमें गड्ढा बनाकर उसमें सिंचाई शुरू कर दी जाती है, सैकड़ों घड़े पानी के उसमें डालते रहते हैं, 1 2 3 वर्ष 4 वर्ष तक, फिर वो पौधा पेड़ बन जाता है। और जब वो आम का पेड़ बड़ा हो जाता है वो फिर फल देता है, और इतना फल देता है कि आप भी खा लो, पड़ोसी भी ले जाएं, साथ वाले घर मकान वाले और रिश्तेदारों को भी भेज देना, वो खत्म नहीं होंगे। कहने का भाव ये है कि आज तक आप जो साधना कर रहे थे वो शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण कर रहे थे, आज का अर्थ है कि जो पहली बार इस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आते हैं, कबीर परमेश्वर की शरण में आते हैं, उससे पहले। और वो साधना क्या थी, आप जी ने जैसे किसी भी संत पंथ से उपदेश लेकर नाम जाप कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, वो बबूल बो रखी थी, किक्कर बो रखी थी, और उन अज्ञानियों ने आपको बता रखा था कि ये आम का पेड़ है। आप जी उसकी सिंचाई कर रहे थे, अर्थात पूजा कर रहे थे, काल की पूजा कर रहे थे, उस किक्कर की बबूल की पूजा कर रहे थे, आम जान के, आम जानकर यानी वो दयालु भगवान जानकर तुम काल की पूजा कर रहे थे। काल की पूजा कौन कौन सी है, ये पांचों नाम काल के जानो, जो राधा स्वामी पंथ में, जय गुरुदेव पंथ में जो प्रचलित हैं, ये पांचों नाम काल के जानो। तीनों देवा काल हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, भूले चूके समझियो सबका हु आदेश। क्योंकि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये काल के पुत्र हैं और यही तीनों इस काल के पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। इनकी पूजा करने ही जाल में रहेगा, इनसे बाहर नहीं हो सकता। अन्य जितने भी देवी देवताएं आप पूजते हो ये सब काल के अंतर्गत हैं। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी। अब आप किसकी पूजाएं कर रहे थे, जो कोई ब्रह्म पूजा करता है, ओम नाम को सुप्रीम मान बैठा है, वो सीधा ही काल के टक्कर में जा रहा है, वो काल का पुजारी है। अब हमने दयाल की पूजा करनी है, परम अक्षर ब्रह्म की पूजा छोड़कर जो भी साधनाएं आप करते थे, आपने बबूल बो रखे थे, और जो कबीर पंथी हैं, नकली बने हुए हैं कबीर पंथी, ये भी अन्य ही नाम देते हैं, उनके पास सच साधना नहीं है, वो भी कबीर परमेश्वर की आड़ में आपको बबूल का बीज दिए हुए हैं और आपने वो किक्कर बीज रखी है। सतनाम की साधना के बिना सभी जितनी भी साधनाएं हैं वो सब बबूल है, यानी काल की साधनाएं हैं। सतनाम के अंदर दो अक्षर होते हैं, एक ओम अक्षर है, दूसरा तत् है जो सांकेतिक है, और तीसरा फिर एक मंत्र आपको और मिलेगा जो सार नाम होता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द कई बार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। इस मूल मंत्र को, इस सार नाम को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो पुणात्माओं आप जी इस आम के बीज को अब बीजोगे
आपको ज्ञान इसलिए करा जाता है कोई आपको भ्रमित ना कर सके। आप जी के आम के पौधे को उखड़वा के और फिर से उसमें उसी गड्ढे में बबूल ना भिजवा दे। आपको आम की और आम के अतिरिक्त बबूल या झाड़ कैर किक्कर इनकी पहचान कराई जाती है, जिस कारण से आप अपने आम को फिर दृढ़ता के साथ परिपूर्ण करोगे यानी सत भक्ति करके सफल होगे। अब ये बताया है कि धीरे धीरे रेम ना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ गुणा समयाए फल हो। एक पौधे को पेड़ बनाने में कितना समय लगता है और वो ठीक ठाक बड़ा हो जाता है तो फिर देखना उसके रंग ठाठ कर देगा, छाया भी मिलेगी, फल भी मिलेंगे। तो इसी प्रकार ये आपको सत भक्ति रूपी सतनाम रूपी आम का बीज दे दिया। अब इसको होने दो, थोड़ा समय देना भगवान को, कुछ दिन कुछ समय के बाद देखना आपको कितने सुख होंगे। आपके पड़ोसी भौचुक्के रह जाएंगे कुछ दिनों के, यदि आप सच्चे दिल से लगे रहे, आपके घर में सुख होगा, आपकी सभी आपदाएं दूर हो जाएंगी। और अन्य भगवानों से जो साधनाएं तुम करते हो, दूसरे भगवानों की जो पूजाएं करते हो, उनसे आपके ये तीन ताप भी नाश नहीं हो सकते। जैसे प्रेत बाधाएं हैं, पितृ बाधाएं हैं, या कोई देव प्रकोप है, या प्रारब्ध का कोई कष्ट आपके ऊपर आने वाला है, वो अन्य एक परम अक्षर ब्रह्म को त्याग कर किसी की भी साधना से वो आपका संकट नहीं हो सकता। बहुत दूर की बात है, और यहां आपका मोक्ष भी होगा, आप जी के सब संकट भी दूर होंगे, और आपका जीवन सुखी होगा। एक भक्त बता रहा था कि हमने आपका नाम लेने से पहले, यानी कबीर परमात्मा का, इस दास जो ये दास जो तो एक नौकर है उस परम पिता का, और ये समझ लो वो डॉक्टर है, ये दास कंपाउंडर है, उसका बताया हुआ जो कुछ भी ट्रीटमेंट है वो आपको दिया जाता है, और जो इसको ठीक ढंग से मर्यादा में रहता हुआ करेगा सब रोग नष्ट हो जाएगा। तो उसने क्या बताया जी, यहां उपदेश लेने से पहले हम बहुत दुखी थे, प्रेत आत्माएं बहुत सताया करती थी, हम चार पांच भाई हैं, सभी को ये बाधाएं थी, हमने आपसे उपदेश ले लिया, कबीर परमात्मा की कृपा से हमारी तो बाधाएं समाप्त होगी, और वो सभी जो भूत प्रेत हमारे घर में थे वो दूसरे भाइयों के चले गए, अब वो वहाँ इकट्ठे हो गए, वो और ज़्यादा उद्मस्तार दिया उन्होंने, पहले तो एक एक दो दो था, कई कई हो गए, उनके मन में ये भावना बन गई कि ये वहाँ बरवाला से नाम ले आए, इन्होंने हमारे ऊपर जादू जंतर करवा दिया और हमारे साथ वो झगड़ा करने लगे कि तुमने अपुन आत्माओं, जैसे हम किसी के भूत ने भगत का प्रबंध कर देते हैं, कैसे कमरे में ऑल आउट लग का जो सतनाम है, ये सच्चा नाम
चाहेगा तो आपकी ये समस्या भी हल होगी। फिर क्या बताते हैं, परमात्मा कहते हैं, आवत संग ना कोई जात संगाती, क्या भया दर बंदे हाथी। अब राजा को बताते हैं, राजा लोग अपने किले के बाहर हाथियों की लाइन बांध लेते थे, सैकड़ों हाथी बांध कर रखते थे अपनी प्रभुता दिखाने के लिए कि कोई राजा का दूत घूम रहा हो और वो देख जाएगा कि उस राजा के पास तो सैकड़ों हाथी बाहर बंध रहे हैं, तो इतने हाथियों को अपने द्वार पर बांध कर हाथी राजा अपनी समर्थता का प्रतीक मानता था। अब परमात्मा उसको कहते हैं, रे भोले प्राणी, आवत संग ना कोई जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। दर माने द्वार पे। कह कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी। ओए होए, जो तुम इस कुमत में कुभद में लगे रहते हो सारा जीवन, कार कोठी बनावे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा लें, भगवान की भक्ति करते नहीं, जिसको जो भी मिलना था, कोई सेठ बना है अपने पूर्व जन्म के संस्कार शुभ कर्मों से, कोई अच्छा राजा बना है, कोई मंत्री मुख्यमंत्री बना है वो भी अपने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से पुण्यों से, और यदि सत भक्ति नहीं करता है तो अंत में उसकी कैसी दुर्गति होगी, जैसे होती है वो हाथ पीटता जाता है सब कुछ कहते, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। परमात्मा आप प्रजा नहीं बख्श रहे हैं तो आपकी चूक चाकरी में, आपकी कोई सेवा में, आपकी श्रद्धा में कोई चूक है, उसको सेट करो और फिर देखना कैसे। कई भोले व्यक्ति क्या कहते हैं, जी आपने जोत बोला था, मैंने जोत भी चढ़ा दी, आप जी ने पाठ के लिए कहा था, मैंने पाठ भी करा दिया और मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, ये तो हो नहीं सकता कि कुछ भी लाभ ना हो, ये तो वो कहेगा तो भी हम नहीं मान सकते। उसके कारण ये हो सकता है कि उसमें कोई मर्यादा हीनता हो, वो दूसरी बात है। फिर भी आप जी ने जैसे परमात्मा की साधना शुरू की है, कई भक्त कहते हैं हमने सतनाम भी प्राप्त हो गया है, हमने 8-9 महीने भक्ति करते भी हो गए हैं, कोई विशेष सा लाभ नहीं महसूस हो रहा। तो पुण्यात्माओं, अभी आपको बता, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा समय आए फल हो। और दूसरी बात यह है, जैसे किसी के ऊपर आपदाएं आई हैं, कोई दुखी है तो अपने पाप कर्मों से है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं। रहने वाले हैं। मैं महाराष्ट्र धुलिया से रहने वाली हूँ। मिनल जी, आप क्या करते हैं? मैं अभी बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ
और मेरा ऑप्टोमेट्री का कोर्स भी हुआ है जो डॉक्टर के अंडर रहते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 13/11/2015 में ली थी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले जैसे सभी लोग अब साधनाएं करते हैं उसी तरीके से शिव भगवान जी की, गणेश भगवान जी की हम साधनाएं करते थे। जैसे सभी लोग शिवरात्रि के टाइम पे शिव जी के मंदिर में जाते हैं पूजा वगैरह करने, उसी तरह हम भी जाते थे। जैसे सब कोई कहता था हमें कि मतलब आप पूजा की थाली में सूखा नारियल लेके जाइए, हम वो लेके जाते थे। कोई कहते थे गीले चावल सिंदूर वगैरह लेके जाइए, हम वो भी लेके जाते थे। हमने शिव भगवान जी की भी बहुत साधना की। और जैसा कि मेरे भाई ने मन्नत ले रखी थी कि 5 साल तक वो गणपति जी भी विराजमान करेंगे हमारे घर के सामने गली में, तो वो भी उन्होंने बहुत साधना की। मतलब उन्होंने इतना किया, जब बारिश आती थी तभी भी वो मतलब पांडाल जो रहता था वहाँ पर भी सेवा में लगे रहते थे, और मंडप जो जो कार्य करना रहता था मंडप का उसके लिए भी मेरे सबसे पहले जाते थे गली में, और कोई भी नहीं आता था। सर जी, भैया ने भी मेरी बहुत मतलब भक्ति की है अन्य देवी देवताओं की। तो बहन जी, आपने बताया कि आपने शिव जी और गणेश भगवान की बहुत ज़्यादा भक्ति की, और हमने सुना है कि महाराष्ट्र में शिव जी और गणेश जी भगवान का बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है, और आप भी उसी तरीके से साधनाएं कर रहे थे, तो फिर उन सभी साधनाओं से आपको क्या-क्या लाभ मिले? जी सर जी, हमें लाभ तो कुछ हुए ही नहीं थे और हमें वैसा कुछ पता भी नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े तब पता चला कि लाभ और हानि क्या होती है। जी जैसे मैं पहले ही मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही थी तभी मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। मेरे पापा जी भी शिव भगवान जी की भक्ति करते थे और भक्ति करते करते ही उनकी डेथ हो गई थी, जबकि मैं फर्स्ट क्लास में थी। और मेरी बहन तो 3 महीने की ही रही होगी और मेरे भैया 5th स्टैंडर्ड में ही थे। मतलब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे जब हमारे पिताजी की डेथ हुई थी, और उनकी डेथ भी हार्ट अटैक के कारण ही हुई थी। फिर उसके बाद हमारी धीरे धीरे स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी, क्योंकि पापा जी की डेथ के बाद मम्मी जी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो कि हम लोग सब लोग अलग अलग रहते थे घर में, तो हमारा ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था उस वक्त। तो फिर सिर्फ मम्मी जी हमारा ध्यान रखते थे। तो पापा जी के जाने के बाद मम्मी जी की मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। मतलब 6 साल तक तो हम लोग इधर उधर इतना भटके, मेरी नानी जी ने भी मतलब बहुत इलाज करवाया, इंदौर से ही इलाज करवाया था मेरी नानी जी ने। और मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई और आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। पहले मेरे भैया जी जो है पढ़ाई करते थे, तब वो फर्स्ट रैंकल होल्डर होते थे। उसके बाद पापा जी के जाने के बाद उनके पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, और फिर वो पढ़ाई करने लायक भी नहीं बचे। और फिर उनके बाद तो 2-3 साल का भैया का गैप भी हो गया था। कहने का अर्थ यही पड़ रहा है कि मतलब पापा जी के जाने के बाद बहुत सारे दुख हम पर आए थे। फिर बाद में धीरे धीरे वो हुआ, फिर उसके बाद हमारी मम्मी जी छत पे से गिर गए थे। मतलब छत पे कुछ काम करने गए थे वो, तो ऊपर से ही मतलब कुछ नट ढीला हो गया तो वो बहुत ज़ोर से गिर गए थे। फिर उसका भी इलाज मेरी नानी जी ने ही करवाया था, वो भी इंदौर में ही हुआ था। पर फिर गिरने के बाद पहले तो मम्मी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर उसके बाद पैर भी उनका मतलब टूट गया था। मतलब पूरा हमारे घर में बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी आ चुकी थी। और जिस दिन मम्मी जी गिरे थे उस दिन मतलब कुछ भी मान लो, पर उस दिन भी शिवरात्रि थी, तो हानि तो बहुत ज़्यादा हुई थी हमें। तो बहन जी, आपने बताया कि आप लोग शिव जी भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन शिव जी की भक्ति करते करते आप पर दुखों का पहाड़ टूट गया, आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, आपकी माताजी की मानसिक स्थिति बिगड़ गई, और आप लोगों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा। तो फिर उन सब दुखों के बीच संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली? जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज से तो हम ऐसे जुड़े जैसे हमारे मामा जी सबसे पहले जुड़े थे। उन्होंने हमें सब ज्ञान बताया था गुरु जी के बारे में, पर फिर भी हम लोगों को इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद भी हम मतलब मम्मी जी ने नामदान लिया पहले घर में से, फिर उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे नामदान लिया था। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो दुखों के पहाड़ पहले आप पर थे वो दूर हुए? हाँ सर जी, हुए तो थे। जैसे कि मेरे पापा जी के जाने के बाद, जबकि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, उसके बाद मम्मी की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। हम लोग 6 साल से परेशान हो रहे थे उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा।
तो 2-3 दिन में ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद फर्क हमें महसूस होने लगा मम्मी जी को। हम लोगों ने भी जाना कि मतलब मम्मी जी की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी, और देखते ही देखते 1 महीने में मम्मी जी बिल्कुल ठीक हो गए थे। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद हम लोगों ने एक कोर्स कर रखा था ऑप्टोमेट्री का, उसके बेस पे भी मेरे भैया की बहुत अच्छी जगह जॉब लग गई थी और लाभ तो हुए। सर जी बोलने के लिए तो है कि 1 रुपये भी नहीं रहते थे जब हम लोगों ने नामदान लिया था। उससे पहले नामदान लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कृपा रही कि हम लोगों के घर में अभी रहते हैं और हम लोग पेशी पे भी आ जा सकते हैं, और मतलब सत्संगों में भी गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के आ जा सकते हैं। और उसके बाद लाभ तो हुआ, जैसे कि हमारे बड़े पापा वगैरह भी हमारी मतलब इतनी पहले सपोर्ट नहीं करते थे, पापा जी रहते थे तभी, क्योंकि मेरे पापा जी का स्वभाव बहुत ज़्यादा कड़क था। जैसे कि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तो मुझे तो पता नहीं था, पर सभी लोग बताते हैं कि वो झगड़ा वगैरह मतलब क्लेश घर में बहुत रहते थे, पीने के बाद जैसे मम्मी जी को मारते भी थे कभी कभी। तो वो सब चीज़ें होने के बाद मेरी मम्मी जी ने भी बहुत ज़्यादा मतलब दुख झेला था। उसके बाद हमारे बड़े पापा इन लोगों ने भी हमारी बहुत मदद की। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले हमारे मतलब रिलेटिव भी हमारा साथ नहीं देते थे और हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी और सपोर्ट भी मतलब इतना नहीं मिलता था, पर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद हमें रिलेटिव्स का सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है और आर्थिक स्थिति भी बहुत ठीक हो गई है। और जैसे कि पहले मम्मी जी की स्थिति ठीक नहीं थी मानसिक, तो हमारे मतलब रिलेटिव सपोर्ट नहीं करते थे, तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद वो लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं और हमारा बहुत ध्यान भी रखते हैं। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी माता जी की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई, उसके अलावा आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई और परिवार वाले भी आपको सपोर्ट करने लगे, तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जैसे हम लोगों को लाभ हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद, हमारी स्थिति बहुत अच्छी हुई है। हमारी मम्मी जी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी थी, वो भी अच्छी हो गई है। तो यहाँ से जुड़ने के बाद हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं मिली है और अभी हमारा जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा है। तो इसी तरह मैं चाहूँगी कि सभी जितने भी जन जनता है उनका भी जीवन सफल हो और सुखी से जिए वो लोग भी। तो यही चाहूँगी कि वो लोग यहाँ पर आकर नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। मीडिया में बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं, तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो आपसे कितने पैसे लिए गए नाम दीक्षा के लिए? जी सर जी, मुझसे तो 1 रुपये भी नहीं लिया गया। जैसे कि जब मैंने नामदान लिया तो वहाँ पर हमें पुस्तक भी मिली और बहुत सारी सामग्री भी मिली थी वहाँ से, तो हम लोगों को कुछ वहाँ पर मतलब 1 रुपये भी नहीं लिए थे। और वहाँ पर सारी सुविधाएं हम लोगों की बहुत अच्छे से की गई थी, वहाँ पर भंडारा भी हुआ था और भंडारे में भी हमें कुछ भी नहीं लगा था। और संत रामपाल जी के लिए जो मीडिया में फैलाया गया है कि यहाँ पर नामदान के लिए पैसे लिए जाते हैं, तो ये यहाँ पर मतलब मीडिया के द्वारा फैलाया गया बहुत झूठा मतलब जाल है कि यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं। यहाँ पर 1 रुपये भी नहीं लिए जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे सत्संग चलते हैं टीवी पर, चैनलों पर, तो वहाँ पर आपको नीचे पट्टी चलती है, वहाँ पर नंबर पे फ़ोन लगाना है और उस नंबर के द्वारा आपको नामदान केंद्र पता चलेगा, वहाँ पर जाकर आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।